नमस्कार, न्यूज स्टॉक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। वार्ड रिपोर्ट पर आधारित हमारी इस खास प्रस्तुति में हम आपको लगातार मुंबई के वार्डों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने का हम आपको हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दहिसर के वार्ड संख्या 1 की पड़ताल के बाद हम आपको वार्ड संख्या 2 की वास्तु स्थिति को भी बता रहे हैं। वार्ड संख्या 2 की हमारी खास रिपोर्ट में आप देख चुके हैं कि कैसे यहां के स्थानीय नगर सेवक अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आ रहे हैं। नगर सेवक के इस रवैये से यहाँ की जनता और विपक्ष खासी खफा है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। वार्ड रिपोर्ट ने किया असली सच उजागर। नगर सेवक की बहानेबाजी, पिस रही है जनता। विपक्ष भी हुआ आक्रमक। वार्ड रिपोर्ट के दूसरे भाग में हमने आपको वार्ड नंबर 2 का सूरत हाल दिखाया था कि किस तरह जनता परेशान है। हमने आपको ये भी दिखाया था कि कैसे दहिसर वार्ड क्रमांक 2 के नगर सेवक कितनी आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। नगर सेवक साहब जो काम कैमरे के सामने गिना रहे थे, जब हमने उसकी जाँच पड़ताल लेनी शुरू की तो सब सच सामने आ गया। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि जब से नेताजी चुनाव जीते हैं तब से उनका कुछ पता ही नहीं चला है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब नेताजी अपने वार्ड में जाते ही नहीं तो काम कैसे करवाते हैं। ना लादी रवने पाय वोटा दुरुस्त केलेले नाहीत, संडासचे दरवाजे पण रिपेअर झालेले नाहीत। आश्वासन देते करते करते बोलते अभी तक चालू नहीं हुआ है कुछ काम। क्या आश्वासन दिया? कि पाय वोट करता हूँ, पानी का प्रॉब्लम मीटर डालता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। रात को 1 बजे तक 2 बजे तक पानी भरना पड़ता है, पानी वाली सबसे बड़ी तकलीफ है। और दूसरी बात है, रास्ता बराबर नहीं है, चंबर सब टूटे हुए है। और तीसरी बात है कि चंबर से पानी जाता नहीं है, पानी भरा हुआ रहता है, उसका बास मारता है और कीड़ा घर में आता है। ये सब इतनी तकलीफ है। लादी सब रास्ता सब फूटा है, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पाइप के लिए पानी बोले जो पाइप डालता हूँ, अभी तक हम लोग को 2 बज जाता है, कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता है, यही हम लोग को परेशानी है। क्या आपके नगर सेवक यहाँ पर आए? वो आए थे, हम लोग 3-4 बार गए थे, हम लोग 3-4 महिलाओं गए थे, बाकी वो नहीं कुछ को बोल रहे हैं जो डालता हूँ, अभी तक ले कुछ नहीं किया। गंदा ही पानी हम लोग पी रहे हैं, पानी साफ आता ही नहीं नल में। अभी नया नल लग गया तब पर भी पानी साफ नहीं आता है, यही समस्या है, ज़्यादा पानी के लिए समस्या है। हाँ, नगर सेवक आते हैं, देख के चले जाते हैं, कहते हैं ये काम हो जाएगा, अभी तक वो काम हुआ नहीं। हम भी नगर सेवक के पास गया था, हम गली का और पानी के बारे में सब समस्याएं रखा था, तो उन्होंने बोला हाँ सब काम ओके हो गया है, होगा, कब होगा ये मालूम नहीं। जब आते हैं तो हम लोग यहाँ रहते हैं, मिलते नहीं, चले जाते हैं, खाली देख के काम होता नहीं है। नगर सेवक आए आके आश्वासन देते हैं कि पाइप दूसरी पाइप भी डाल रहे हैं ऐसा है, लेकिन कुछ अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वही कांग्रेस पार्टी के भंवर कुमावत का कहना है कि जहां काम करने की जरूरत है वहां के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है, और जिस जगह की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है वहां दिखावे की भरपूर कोशिश की जा रही है। कि वार्ड में काम के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो काम कर रहे हैं वो तो पब्लिक सराहेगी टाइम आने पर उनके बहुत सारी। अभी उन्होंने कुछ रोड का काम चालू किया है, रोड का काम करना अच्छी बात है, पर जहां तक हमको लगता है कि वो रोड के वो काम करने की जरूरत नहीं थी उतनी। हमारे वार्ड नंबर 2 में बेसिक मुद्दे बहुत सारे हैं, खाली गार्डन, आप बोलते हम गार्डन बना रहे हैं, हम नालियां बना रहे हैं, ये हर नगर सेवक का काम करता है, वो सब करते हैं। लेकिन नगर सेवक जगदीश ओझा अभी भी सभी आरोपों को झुठलाने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि जनता और विपक्षी नेताओं की आदत होती है सिर्फ इल्जाम लगाने की। 9:30 से 11 तक हमारा जो कार्यालय है वहाँ पे मिलता हूँ, और उसके बाद भी कोई भी मेरे प्रभाग के नागरिक मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा 24 घंटा फ़ोन चालू रहता है, मैं सभी को हर समय उपलब्ध रहता हूं, क्योंकि मैं स्थानिक हूं, यहीं रहता हूं, यहीं बड़ा हो गया हूं, सबसे मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है। तो मुझे लगता है अगर किसी ने बोला होगा कि मिलते नहीं है, दिखते नहीं है, तो ये बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर हमेशा
अपने प्रभाग की जनता के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहता हूँ। नगर सेवक जो जनता की सुविधा के लिए चुने गए हैं, जनता को परेशानियों से निजात दिलाने की जिम्मेदारी जिन पर होती है, अगर वही इस तरह आराम फरमाएंगे और फंड ना होने का दुखड़ा रोएंगे तो कैसे होगा विकास और कैसे जनता लेगी चैन की सांस? ये सवाल काफी अहम हो जाता है। न्यूज टॉक लाइव के लिए मुंबई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि वार्ड के स्थानीय नेता किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रहे हैं। इलाके का विकास और काम तो दूर की कौड़ी है, आलम तो यह है जनता अपने जनप्रतिनिधियों के दीदार को भी तरस रही है। ऐसे में इलाके का क्या विकास होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल हम जनता की आवाज को इसी तरह से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखेंगे। सोमवार को वार्ड संख्या 3 की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए न्यूज स्टॉक लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।